बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह शाह सलमान की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और तोहफा भेज दिया गया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ। यार जिन बंदों के लिए फ्लैट्स बंद हैं उनके लिए तोहफा नहीं है, वैसे अवाम के लिए मैं आपको तफसील बताता हूँ। आपको पता होगा जब सऊदी अरब में ये केस बढ़े थे उस टाइम सऊदी अरब में जब लॉकडाउन लगा दिया गया था और 24 घंटे का भी लॉकडाउन रहा था, तो उस टाइम भी जिन बंदों के पास तस्वीर वगैरह थी वो तो बाहर निकलते थे वरना आवाम घर पर बैठी हुई थी। उस टाइम भी शाह सलमान की तरफ से ये कहा गया था कि भाई आप और मदीना और मक्का के और जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में भाई खाने भी दिए गए थे घरों में, ठीक है। अच्छा, शाह सलमान की तरफ से उस टाइम ये कहा गया था कि भाई आपका इकामा एक्सपायर है, इकामा नहीं है, हरूब है, मतलूब है, चाहे आपके ऊपर 2 लाख रियाल का फाइन ही क्यों नहीं है, आपको खुदा न ख्वास्ता इस वायरस की कुछ इलामात जाहिर होती हैं, आप में आपको महसूस होता है, तो फौरन नज़दीक तरीन हॉस्पिटल पहुंचे, अपना फ्री में इलाज करवाएं। और आपको पता भी वैक्सीन की जो दोनों डोज हमें लग चुकी हैं ये भी फ्री में, बिल्कुल आपका 1 रियाल खर्चा नहीं हो। अभी तो तीसरी भी उन लोगों ने बोल दिया आपके 6 माह कंप्लीट हो दूसरी डोज को, तो आप तीसरी भी लगवा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मुकीम गैर मुल्कियों का भी बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखा गया जैसा कि सऊदी हजरात का रखा गया। अभी शाह सलमान की तरफ से पाकिस्तान में एक पैकेज भेजा गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोयटा के 10 बड़े शहरों में यह बांटा जाएगा। आपको पता है उन इलाकों में सर्दी थोड़ा ज्यादा होती है, जिनमें 58,000 गर्म रजाइयां होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी बंदे कुछ बोलेंगे यार ये कौन सा पैकेज है, भाई एक रजाई आप लेने चले जाइए पाकिस्तान में आपको पता कितने की मिलती है, तो ये इंपोर्ट माल होता है बिल्कुल VIP किस्म का। 58,000 गर्म रजाइयां होंगी जिनमें 29,000 गर्म कपड़े होंगे, और इस पैकेज से जो शाह सलमान ने भेजा है पाकिस्तान में इससे 2,03,000 अफराद भाई मुस्तफीद होंगे, यानी कि 2,03,000 अफराद को भाई इस चीज से फायदा मिलने वाला है, उनकी सर्दियां आराम से गुजरने वाली हैं। ना कि अगर मैं बात नहीं करूंगा किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बात करूंगा जो इस वक्त चल रखे हैं, ना कि उसको देखते हुए, आपको पता है महंगाई की शरह क्या हो चुकी है, रोज बरोज अगर आप घी लेने जाते हैं आज कुछ और कल कुछ और हो चुका होता है, तो भाई जो गरीब तबका है लेबर मजदूर है वो चुहारे पिस रहे हैं, उनको ऐसी चीजों की सख्त जरूरत होती है।